नमस्कार दोस्तों, अध्ययन गंगा के यूट्यूब मंच पर आप सभी का स्वागत और हार्दिक अभिनंदन। आज बात करेंगे हाल ही में जो पीजीटी की परीक्षा संपन्न हुई है उसके सभी विषयों का कट ऑफ, जो संभावित कट ऑफ है, इस चैनल के माध्यम से आपको दिया जा रहा है। और अध्ययन गंगा यूट्यूब चैनल शिक्षक भर्ती से संबंधित प्रामाणिक व विश्वसनीय जानकारी आपके सामने लेकर आता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। और आज का जो वीडियो है वो पीजीटी इंग्लिश प्रवक्ता के कट ऑफ के ऊपर है। इसके अलावा कुछ और विषयों के बारे में भी जानकारी आपको दी जाएगी। तो पीजीटी इंग्लिश प्रवक्ता का कट ऑफ इस बार क्या रहने वाला है, कैटेगरी वाइज जनरल कैटेगरी का क्या कट ऑफ रहेगा, एससी का कट ऑफ क्या रहेगा और इसके अलावा ओबीसी का कट ऑफ क्या रहेगा, ये सारी जानकारी आपको दी जाएगी। इसके अलावा बालक वर्ग और बालिका वर्ग का कट ऑफ क्या रहने वाला है, तो ये तमाम जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आपको दी जाएगी। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले चलते हैं सामान्य वर्ग की ओर। पीजीटी इंग्लिश का जो कट ऑफ रहने वाला है सामान्य वर्ग का, जनरल कैटेगरी का, अगर 88 से 92 के बीच में आपने प्रश्न हल किए हैं, 88 से लेकर 92 तक आपने प्रश्न हल किए हैं, इस दायरे में आप आते हैं और सही प्रश्न इतने आपने हल किए हैं, तो संभावना है कि इंटरव्यू के लिए आपको बुलाया जाएगा। तो ये संभावित कट ऑफ है सामान्य वर्ग का। और ये सामान्य वर्ग में बालक वर्ग का कट ऑफ है, लेकिन यदि बालिका वर्ग की बात करें तो एक एक अंक आप कम कर सकते हैं, 87 टू 91। यदि इतने प्रश्न आपने हल किए हैं तो यहाँ पे संभावना है सामान्य वर्ग में कि आपको साक्षात्कार के लिए बुलाया जाएगा, इंटरव्यू के लिए आपको बुलाया जाएगा। इसके बाद में देखते हैं ओबीसी कैटेगरी, और ओबीसी कैटेगरी की बात करें तो 85 टू 88। देखिएगा, यदि आपने 85 टू 88 के बीच में अंक नहीं, यहाँ पे प्रश्नों की बात है, इतने प्रश्न यदि आपने सही हल किए हैं तो ओबीसी कैटेगरी में पूरी संभावना है कि यहाँ पे आपको इंटरव्यू के लिए कॉल आएगी, यहाँ पे आपको साक्षात्कार के लिए आपको बुलाया जाएगा। तो ये ओबीसी का संभावित कट ऑफ है, ये बालक वर्ग का है। और यदि बालिका वर्ग की बात करें तो वही एक अंक यहाँ भी आपको कम करना होगा, यानी 84 टू 87। इसके बीच में यदि इतने प्रश्न आपने हल किए हैं, सही हल किए हैं, तो संभावना है कि यहाँ पर आपका जो है आपको साक्षात्कार के लिए बुलाया जाएगा। इसके बाद चलते हैं एससी कैटेगरी की ओर। और एससी कैटेगरी अनुसूचित जाति में जो कट ऑफ रहने वाला है 80 टू 84। देखिएगा, 80 से लेके 84 प्रश्न यदि आपने सही हल किए हैं तो यहाँ पर आपको साक्षात्कार के लिए बुलाया जा सकता है, ये संभावना है, क्योंकि संभावित कट ऑफ ही आपको बताया जा रहा है। और यदि अनुसूचित जाति में बालिका वर्ग की बात करें तो एक एक अंक यहाँ पे आप कम कर लीजिएगा, 79 टू 83। इतने प्रश्न यदि आपने सही हल किए हैं तो संभावना है कि आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। तो यही संभावित कट ऑफ थी पीजीटी इंग्लिश की। और आपने देखा कि एससी, ओबीसी और जनरल कैटेगरी का कट ऑफ क्या रहेगा और बालक और बालिका वर्ग में कट ऑफ क्या रहेगा। इसके अलावा जो और सब्जेक्ट हैं, जितने भी सब्जेक्ट हैं पीजीटी के, इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत, इतिहास, भूगोल, इसके अलावा और जितने भी सब्जेक्ट हैं, इकोनॉमिक्स या साइंस के जितने सब्जेक्ट हैं, बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, सभी का कट ऑफ आपको इस चैनल के माध्यम से बताया जाएगा। अलग अलग वीडियो हर सब्जेक्ट का यहाँ पे दिया जा रहा है। तो किसी भी विषय का यदि आप कट ऑफ देखना चाहते हैं तो इस चैनल पे आप देख सकते हैं। यही आज का वीडियो था। ये वीडियो आपको कैसा लगा, अगर अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करिएगा और अध्ययन गंगा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।